जनपद देवरिया के प्यासी गांव में आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर क्षेत्र के तमाम श्रद्धालुओं ने नदी में डुबकी लगाकर स्नान किया और दान किया। आइए आपको दिखाते हैं वो जगह जिसे सात काशी के बराबर कहा जाता है। लगभग 40,000 श्रद्धालुओं ने यहां डुबकी लगाई है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त रही। नाव के सहारे उस पार से इस पार लाया जाता रहा। देवरिया से रमन तिवारी की रिपोर्ट। प्रधान जी, कार्तिक पूर्णिमा आज है, अभी तक कितने श्रद्धालुओं ने स्नान किया है? अभी तक कम से कम 40,000 लोगों ने स्नान कर लिया है और अभी 12 बजे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। भोर में 3 बजे से स्नान का कार्यक्रम शुरू है। कल राम कथा का 7वां दिन था, कथा हुआ, आज पुरावती होने जा रही है, हॉर्न होने जा रहा है और वस्त्र महोत्सव के उपलक्ष्य में 7 दिन राम कथा सुनाया गया। वस्त्र महाराज को आज हवन कराया जाएगा और शाम को आरती, गंगा आरती होगा और दीप उत्सव होगा। कुछ रंगारंग कार्यक्रम है वो भी होगा। अभी यहाँ भंडारा का भी कार्यक्रम किया गया है रामकथा में। रामकथा का विसर्जन 12 बजे होगा और 12 बजे के बाद 5,000 व्यक्तियों का भंडारा, भव्य भंडारा रखा गया है, भंडारा कराया जाएगा और उसके बाद वस्त्र महोत्सव का पूरा उपयोग होगा। अच्छा, बुजुर्गों का ये कहना है कि 100 काशी तो एक प्यास, इसके पीछे क्या राज? इसमें यह है कि लोग कहते हैं कि 7 काशी न एक प्यासी, 7 बार बनारस में स्नान करिए, 1 बार पश्चिम वाहिनी प्यासी में स्नान करिए, उतना ही पुण्य मिलता है जितना 7 बार बनारस करे और 1 बार पश्चिम वाहिनी प्यासी में करे, दोनों का पुण्य बराबर होता है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई? प्रशासन की बहुत टाइट व्यवस्था है। मंत्री के हमारे एसओ साहब आए हुए हैं और 20-25 पुलिसकर्मी हैं और सुरक्षा की काफ़ी पुख्ता इंतजाम हुआ है। मेडिकल टीम आई है, नाव लगाया गया है, नदी को चारों तरफ से गिरवा के रस्सी बनवाया गया है और प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है।